दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना कि किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी कंपनी को बहुत बड़ी पहचान मिल जाए और इस बढ़ती पहचान के डर से ही उस व्यक्ति को कंपनी से निकाल दिया जाए। दोस्तों, जी मीडिया ग्रुप का इंटरनेशनल न्यूज चैनल है वियोन। इसी चैनल की मैनेजिंग एडिटर थी पलकी शर्मा उपाध्याय, जिन्होंने 2 सितंबर 2022 को वियोन को अलविदा कह दिया है। अब आने वाले दिनों में वो कौन सा न्यूज चैनल ज्वाइन करेगी, उसके बारे में हम बताएंगे। पहले बात करते हैं आखिरकार उन्होंने वियोन क्यों छोड़ा। दोस्तों, पलकी शर्मा दुनिया भर की खबरों को कवर करने में काफी आगे रहती थी। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर उनकी रिपोर्ट की न केवल दुनिया भर के दर्शकों द्वारा बल्कि भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा जैसे विश्व नेताओं द्वारा भी सराहना की गई थी। दोस्तों, पलकी शर्मा देश के पहले इंटरनेशनल न्यूज चैनल की मैनेजिंग एडिटर थी, जो 190 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। वो देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले अंग्रेजी प्राइम टाइम शो ग्रेविटास को होस्ट करती थी। इसके अलावा वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेविटास प्लस नामक डिजिटल शो भी होस्ट किया करती थी। लोग वियोन को देखे या ना देखे, लेकिन उनके इस शो को जरूर देखा करते थे, और यही एक वजह थी जो उन पर आफत बनकर टूटी। दरअसल माना जा रहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र और नए मैनेजमेंट को ये लगने लगा था कि ये चैनल महज एक शो और एक एंकर तक केंद्रित होकर रह गया था। यही एक वजह थी जिसकी वजह से पलकी शर्मा को वियोन को अलविदा कहना पड़ा। पलकी शर्मा वियोन में इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरी कि उनके वियोन छोड़ने के बाद लोग वियोन देखना छोड़ रहे हैं। उनके ज्यादातर प्रशंसक इस बात के कयास लगा रहे हैं कि वो जल्द ही डीडी इंटरनेशनल नाम के एक नए न्यूज चैनल पर काम करने वाली है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट डीडी इंटरनेशनल के नाम से एक नया न्यूज चैनल लॉन्च करने की सोच रही है। दरअसल भारत के बारे में लगातार इंटरनेशनल न्यूज चैनल द्वारा बायस रिपोर्टिंग होती है, जिसकी वजह से भारत सरकार और भारतीयों की छवि खराब हो रही है। इसीलिए 2021 में भारत सरकार ने एक नया इंटरनेशनल न्यूज चैनल लॉन्च करने की बात कही थी। पिछले दिनों जब विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिकी दौरे पर थे, तब उन्होंने अमेरिकन मीडिया द्वारा बायस रिपोर्टिंग के बारे में खुलकर बोला भी था। हालांकि डीडी इंटरनेशनल कब तक लॉन्च होगा, उसके बारे में पुख्ता रिपोर्ट्स नहीं है, और पलकी शर्मा के फैंस के डीडी इंटरनेशनल ज्वाइन करने का सपना टूट भी सकता है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि नेटवर्क 18 ने पलकी शर्मा को मैनेजिंग एडिटर के पद पर नियुक्त किया है। अपनी इस भूमिका में वो ग्रुप के मल्टीपल प्लेटफॉर्म वीडियो प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो नेटवर्क 18 में काम कर चुकी है। पलकी शर्मा ने कहा कि मैं नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के साथ जुड़ने को लेकर काफी उत्साहित हूँ। ये प्रोजेक्ट न्यूज के अनुभव को बदल देगा और देश को प्राउड फील कराएगा। ये एक कंटेंट इनोवेशन लैब होगी, जो ग्लोबल ऑडियंस के लिए समाचारों को रोचक और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक और इंटरैक्टिव टूल के साथ पारंपरिक न्यूज फॉर्मेट्स और प्रयोगों को चुनौती देगी। आपको बता दें कि इस न्यूज प्रोडक्ट का मेन गोल नई पीढ़ी की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होगा। दोस्तों, पलकी शर्मा पिछले 20 साल से जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम कर रही है। इससे पहले वो डीडी न्यूज, हिंदुस्तान टाइम, सीएनएन, आईबीएन और आईटीवी नेटवर्क में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुकी है। दोस्तों, कौन कहते हैं कि डीडी न्यूज में काम करने वाले रिपोर्टर्स अच्छे नहीं होते। खैर, आपकी क्या राय है पलकी शर्मा के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।